गुड इवनिंग फ्रेंड्स, AKM क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हमने किया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है, देन हमने अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के रिस्क क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। नाउ कंटिन्यूशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क्स। ठीक है, अब सप्लाई चेन आपको पता है कि बेसिकली सप्लाई चेन नेटवर्क क्या है। कि उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सप्लाई चेन होती क्या। सप्लाई चेन क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट जो है मूव ऑन करता है, जनरली इन जनरल टर्म मैन्युफैक्चरर से एक कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसके बीच में जो भी स्टेप्स वो फ्लो रहता है प्रोडक्ट का, उसको हम सप्लाई चेन जनरली बोलते हैं। उसी तरह से सप्लाई चेन नेटवर्क की बात करें तो सप्लाई चेन नेटवर्क बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है, सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड। ठीक है, इंटरकनेक्टेड, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरकनेक्टेड हैं, जिससे क्या है, जिसमें वो किस लिए इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए या रॉ मटेरियल्स के लिए कह सकते हैं, या डिफरेंट सर्विसेज के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो है ये इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि लास्ट में क्या है, वैल्यू प्रोड्यूस करती हैं, है ना। जैसे हमने किया था कि मैन्युफैक्चरर आ गया, सो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, देन वो होलसेलर को बेचेगा, देन होलसेलर जो है वो एक रिटेलर को बेचेगा, और एक रिटेलर जो है वो किसको बेचेगा, प्रोडक्ट को, कस्टमर को बेचेगा। सो ये क्या है कि सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकती है, देन वी हैव होलसेलर अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और रिटेलर अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो वो किसी न किसी एक्टिविटीज के लिए, अब कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है तो वो क्या करेंगे कि रिटेलर्स जो है वो होलसेलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं या अदर कोई पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सप्लाई चेन नेटवर्क, राइट। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, रिटेल का भी लेंगे और एक एप्पल जूस का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल जूस सभी को पता है, एप्पल जूस, ठीक है, हम जो ड्रिंक करते हैं, चाहे वो पैक में है या बॉटल्स में है ना, जिस भी तरह से अवेलेबल है। अब सबसे पहले आते हैं कि एप्पल लेगा कौन, है ना। तो एप्पल के लिए जो भी वेंडर रहेंगे, जो भी एप्पल ग्रोअर्स हैं, है ना, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज करेगी। ऑर्गेनाइजेशन जो है हो सकता है वो खुद बनाए या किसी अदर पर्सन से वो मैन्युफैक्चर करवाए जूस को, है ना। जूस में अदर कंटेंट्स जो प्रिजर्वेटिव डालने हैं या अदर मटेरियल जो डालना है, वो ऑर्गेनाइजेशन अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। पैकेजिंग के लिए जो बॉटल्स हैं या पैकिंग मटेरियल्स है, उसके लिए वो अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह के लिए वो जो बॉटल्स बनाएगा या कार्टन्स बनाएगा, उसके लिए अदर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट रहेंगी। इस तरह से क्या है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटर एक नेटवर्क की तरह जुड़ी हुई हैं, तभी हमें एक कस्टमर को क्या है, मार्केट में एक जूस की बॉटल या पैकिंग मिलती है। अगर मैं बात करूं एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस की, रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ABC रिटेल आउटलेट है, उसके पास मल्टी ब्रांड आउटलेट है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड हैं, तो वो जो हैं, वो जो ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको ऑर्डर जाएगा, प्लेस होगा, देन वो क्या है, जो ऑर्डर हैं वो भेजेंगे, है ना। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट्स भेजेंगी, तो सारी जो है एक रिटेल आउटलेट जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी किसी न किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, होलसेलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। नाउ एक जो सप्लाई चेन नेटवर्क है उसकी जो है फोर स्टेजेस सप्लाई चेन नेटवर्क को हम शॉर्ट में लिख देते हैं SCN,
stages of SCN, four stages of SCN, four stages क्या है, हो सकती है एक supply chain की four stages. The first is integration. जब भी कोई network जो है काम करता है तो उसमें integration, integrated होना चाहिए कि मतलब interrelated और integration. वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटीग्रेशन के साथ ही काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि एक जो है मुझे जो है एक बॉटल पैक जो है एप्पल जूस चाहिए, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में डिमांड 100 बॉटल्स के एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमर की डिमांड 100 बॉटल्स की है, तो एक रिटेलर को 100 डिमांड करने पड़ेगी होलसेलर से, और होलसेलर के पास सिर्फ एक ही रिटेलर नहीं, मल्टीपल रिटेलर्स हैं, हो सकता है उन हर रिटेलर्स की अलग अलग एप्पल जूस की डिमांड हो, ठीक है. तो एक और होलसेलर जो है उसका अलग क्राइटेरिया है, वो डिमांड फोरकास्ट करता है, ठीक है ना, किसको, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर के पास कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में 100 बॉटल्स की जरूरत है, बट ओवरऑल जो है वो 1000 की जरूरत है, उस डिमांड फोरकास्टिंग के बेस पे क्या है वो जो है वो सारा काम करता है. अब वो उसी हिसाब से वो कार्टन की पैकिंग के लिए भी बोलेगा, उसी हिसाब से वो प्रिंटिंग कॉस्ट भी रहेगी, ब्रांडिंग की कॉस्ट भी रहेगी, उसी हिसाब से उसकी बॉटल्स की रिक्वायरमेंट, साइजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना. अगर वो टाइमली कोई भी अगर प्रॉपर वे से काम नहीं करता तो ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ये प्रॉपर वे से काम नहीं कर सकता है. तो इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत होती है. सेकेंड इज जो है वो है ऑपरेशन, ऑपरेशंस. अब ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन में जो भी कार्य होना है, एक आप जो उसको पैक होके कस्टमर तक पहुंचना है, तो उसके लिए जितनी भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो ऑर्डर है, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे रिटर्न है ना, किसी भी चीज़ का, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन ना, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट सेल होगी, ये सारी चीज़ों की ऑपरेशन जो है दैट कम्स अंडर द SCM की एक स्टेज है ये, ठीक है. थर्ड इज परचेजिंग, परचेज. अब ये परचेजिंग जो है डिपेंड करती है, जैसे मैंने बताया इट डिपेंड्स अपॉन द फोरकास्टिंग. सो फोरकास्टिंग पे तो जो एक होलसेलर है वो कितनी बॉटल्स जो है वो परचेज करेगा फर्दर सप्लाई करने के लिए रिटेल को, ये फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड करती है. तो देन द थर्ड स्टेज इज परचेजिंग एंड द लास्ट स्टेज इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी या कोई पर्सन लेके जाएगा ना, या किस तरीके से थ्रू रेलवे होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन जब लास्ट आउटलेट तक पहुंचनी है या होलसेलर तक मैन्युफैक्चरर्स पहुंचे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है. दैट कम्स अंडर द वन ऑफ द स्टेज ऑफ SCM, ठीक है. सो फोर स्टेजेस क्या हैं SCM की, इंटीग्रेशन, ऑपरेशन, परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ networks, ठीक है. Networks. Now, first जो network है वो है lean supply network. First one is lean supply chain network. मैं यहाँ पे short में लिख रहा हूँ SCN, पूरा चाहे तो लिख सकते हैं lean SCN. Lean SCN नाम से पता चल रहा है कि lean क्या मतलब हुआ, पतला सा, छोटा सा, है ना, पतला, है ना, लीन. इसमें क्या है जनरली ये कौन से, ये सप्लाई चेन किसके लिए होती है जनरली, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी उसको डिस्कार्ड करना है, है ना. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं ना, उनका वेस्ट प्रोडक्ट है पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन, छोटे छोटे से प्लास्टिक के बॉल्स होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड करना, उनका कोई यूज करनी है, तो उनको किसको डिस्कार्ड करना है, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, है ना, कैसे डिस्कार्ड करना है, किसको देना है, है ना, या रिसाइकलिंग जो स्टेज होती है वो दैट कम्स अंडर, इस तरह की सप्लाई चेन्स में आ जाती है, लीन SCN में आ जाती है. तो जो वो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि पॉलीथीन है तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को बेचते हैं, ठीक है, या हमें रिसाइकल के लिए जैसे कार्टन्स हैं, वेस्ट पेपर्स हैं, ये जो हैं वो सप्लाई करनी है ना, तो रिसाइकलिंग के लिए भेजनी है, तो वो एक पर्टिकुलर जो पर्सन है जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन उसको हम सप्लाई करेंगे. तो लीन छोटी सी वहाँ से उठा के उसको, है ना, जैसे घरों में भी हम क्या कूड़ा कबाड़ा कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो बस यहीं तक स्टेप है, एक ही स्टेप है ना. तो इस तरह की सप्लाई चेन को बोल देते हैं हम लीन सप्लाई चेन नेटवर्क. सेकेंड इज एजाइल.
एजाइल सप्लाई चेन नेटवर्क, सप्लाई चेन नेटवर्क एजाइल किस तरह से हो सकता है? मतलब एजाइल का वैसे मतलब क्या होता है कि जिसमें जो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता है या मूव ऑन बहुत जल्दी विद द चेंज इन एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी जो मूव ऑन करता है उसको बोलते हैं हम एजाइल। तो इस तरह से सप्लाई चेन नेटवर्क एजाइल कैसा हुआ, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस बहुत जल्दी होगी, है ना, या इंक्रीज फ्लैक्सीबिलिटी होगी विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी और विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट के साथ वो अपने आप को वो नेटवर्क उस तरह से ढाल लेगा, दैट इज नोन एज एजाइल। ठीक है, नाउ थर्ड इज ग्रीन SCN, ग्रीन SCN, ग्रीन SCN बेसिकली बेस्ड ऑन रिड्यूस एनवायरमेंटल इफेक्ट, कि हम ऐसे सप्लाई चेन नेटवर्क को फॉलो करो जिससे क्या है कि एनवायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट ना हो, है ना, एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल अभी दे चुका हूँ कि जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनका बाय प्रोडक्ट होता है, जो बेस प्रोडक्ट होता है वो होता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए हजार्ड्स मटेरियल है, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल जो मेकिंग होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं सो दैट दे कैन मेक सम अट्रैक्टिव चीज और यूजफुल चीज विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, वो बना लें, है ना, तो उनको सप्लाई कर देते हैं या रिसाइकल करने के लिए देते हैं, तो दैट वी नोन एज ग्रीन SCN। देन नेक्स्ट वन इज क्लोज लूप, क्लोज लूप SCN, क्लोज लूप SCN मींस क्या हुआ, क्लोज लूप, ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चरर से कोई सामान लिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने यूज़ किया सामान बेचने के लिए कस्टमर को दिया, है ना, कस्टमर ने देन वो जो कार्टन थे वो या जो पेपर था उसका जो पैकिंग थी वो मटेरियल जो है वो एक कबाड़ी वाले को दे दिए, कबाड़ी वाले ने वो कार्टन जो है अगेन एक मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर दिया बिकॉज उसमें, या रिसाइकलिंग प्रोसेस, तो क्लोज लूप एक लूप बना रहा है ये कि वही मटेरियल जो है ना प्लास्टिक की बॉटल्स थी वो दोबारा से रिसाइकल होकर उसके पास आ रही है ना। या आपने देखो कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो शीशे की बॉटल में जो मिलता है, ग्लास की बॉटल में मिलता है, तो वो क्या ग्लास की बॉटल्स वापस ले लेते हैं ना, वाई, बिकॉज वो क्या है क्लोज लूप, उसका प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, वो क्या करते हैं स्टेरिलाइज करते हैं फिर उसको बॉटल्स को यूज कर लेते हैं। देन सस्टेनेबल, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल SCN, सस्टेनेबल SCN, सस्टेनेबल SCN की अगर हम बात करें तो ये SCN जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हाई वैल्यू जो है वो हाई वैल्यू जनरेट करता है, राइट, राइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सोसाइटी को भी कोई को भी ध्यान में रख के चलना है, देन एनवायरमेंटल फैक्टर को भी ध्यान में रखना है और फिर प्रॉफिट जनरेट करना है, इस तरह के SCN। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिस्क SCN, रिस्क SCN क्या है, इस नेटवर्क हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी फैक्टर्स, डैमेज एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सप्लाई चेन नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। सो दीज आर द सिक्स टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क, लीन, एजाइल, ग्रीन, क्लोज लूप, सस्टेनेबल एंड रिस्क, ठीक है, टाइप जो है ये SCN के हैं। नाउ हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक स्टैंडर्ड SCN मॉडल होता है, ठीक है, और वो मॉडल क्यों डिजाइन करता है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, ऐसा ना हो कि वो जो सामान जहाँ से मंगवा रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, है ना, ना उससे चीपेस्ट रेट पे नियरेस्ट मिल रहा है ना वो सामान, तो उसको कॉस्ट है, तो वो हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये जो सप्लाई चेन नेटवर्क का मॉडल है उसका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कि उसने अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है और
हर चीज को ध्यान में रखते हुए छोटी सप्लाई चेन से वो कस्टमर को फायदा दे सके, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो वो सप्लाई चेन, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान में रखा जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क, जिसमें हमने 6 टाइप्स के सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में स्टडी किया। ये 6 टाइप के सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में स्टडी किया और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना सप्लाई चेन नेटवर्क की डिजाइनिंग करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।